फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल बायो यू एंड मी। आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो है डबल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक प्रोसेस बताई थी, जो कि थी मेगास्पोरोजेनेसिस, और उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से मेगास्पोर से इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में किस प्रकार से ये 7 celled and 8 nucleated स्ट्रक्चर बना था। अब आप हम उसी को फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आज का टॉपिक, जो कि है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक एंड यूनिवर्सल फीचर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। अब पहले डबल फर्टिलाइजेशन अगर हमें पढ़ना है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन की क्या प्रोसेस होती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम पहले समझ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें हम मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इससे पहले हमने जब पहले के जो वीडियो या इससे पहले के अगर हम चैप्टर को अगर हमने एक बार रिकॉल करें, तो हमने देखा था कि उसमें हमने एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा था कि पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर किस प्रकार बने थे, और मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में आपने देखा था कि एम्ब्रियो सैक में किस प्रकार से सारी सेल जो होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं। अब इसमें आज की जो चैप्टर है, उसमें हम ये देखेंगे कि पॉलन ग्रेन जो हैं वो, जो ये हमारा पिस्टल हमको दिखाई दे रहा है, ये कापल हमको दिखाई दे रहा है, इसमें ये पॉलन ग्रेन किस तरीके से इन सेल्स के साथ फ्यूज़ करते हैं। इसमें आप ये देखेंगे एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है और एक ये एग न्यूक्लियस है, इसमें किस तरीके से ये इसके साथ फ्यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये पिस्टल का यानी कि कापल का स्ट्रक्चर है। जो सबसे पहले इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा, बीच का जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं स्टाइल, बीच का ये एक गोल सा स्ट्रक्चर पाया जाता है इसको हम कहते हैं ओवरी, और इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। यही एक्चुअली जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है। अब क्या है कि जो पॉलन ग्रेन, अब मैंने आपको बताया था कि अभी जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो पॉलन ग्रेन बनते हैं यानी कि माइक्रोस्पोर्स जो बनते हैं, उनको पहुंचना है इस स्टिग्मा तक। ये स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है पॉलिनेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परागण की क्रिया। अभी जो परागण की जो क्रिया होती है, इसमें ये दो तरीके से हो सकती है, या आपने पहले पढ़ा हुआ भी है कि एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन, और कभी कभी हम इसको हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा भी कर सकते हैं, कृत्रिम परागण के द्वारा भी हम इसको स्टिग्मा तक पहुंचा सकते हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेन जो हैं, जब ये इन प्रोसेस यानी कि पॉलिनेशन के बाद जब स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर जाते हैं, होना क्या है, जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण होना है इनका। तो अंकुरण होने के लिए इसकी कुछ अवस्थाएं होनी चाहिए जिसमें कि ये आगे जा करके जर्मिनेट करें। तो वर्तिकाग्र जो होती है वो इसमें जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो बहुत हाई होनी चाहिए, और इसमें से कुछ सिक्रीशंस होते हैं यानी कि कुछ एक्सिडेट जो होते हैं, श्रावण जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, जो कि जिसमें कि क्या चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो जो कि पॉलन ग्रेन्स को मिलता है, जिससे कि वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। अब ये जर्मिनेशन में देखिए, यहाँ पर अब एक तो परागकण आएगा नहीं यानी कि पॉलन ग्रेन आएगा नहीं, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कुछ जो हैं वो क्या करते हैं, आगे जा कर के जर्मिनेट करते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी को अगर इसकी अर्ली अवस्था में अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जिस समय हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी, तो उस समय हमने माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था कि सबसे पहले एक्साइन होती है, और फिर उसकी जो पतली मेम्ब्रेन होती है अंदर की, उसको हम कहते हैं इंटाइन, और फिर ये क्या जो होती है इंटाइन है, यही क्या करती है, एक पॉलन ट्यूब बनाती है। ये देखिए पॉलन ट्यूब दिखाई दे रही है, और इसमें जो बनने वाले जो मेल गैमीट्स होते हैं, दो मेल गैमीट्स, जब आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ाई थी तो आपने देखा था कि जो उसका एंड प्रोडक्ट था उसमें दो मेल गैमीट बने थे और एक ट्यूब न्यूक्लियस बना था। तो अब यही जो जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हो चुकी है,
कि इसमें भी जो एक्साइन है और दिखाई दे रही है और जो इंटाइन है वो क्या करती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखिए धीरे 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 करके, इनमें से सब तो नहीं लेकिन एक जो है इसमें से बढ़ करके ये क्या करती है, इसी जो स्टाइल वाले पोर्शन से ये अंदर की ओर इसके अंदर प्रवेश कर रही है, यानी कि इसके अंदर एंटर करती है। और कहाँ की ओर जा रही है, ये इस जो ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो है वो जा रही है। और कौन से एंड में देखिए इसमें दिखाई दे रही है, माइक्रोपाइलर एंड में। तो यहाँ पर मैंने आपको इसमें दिखाया है कि ये माइक्रोपाइलर एंड के से ये अंदर की ओर एंटर कर रही है। लेकिन सारे ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का फीचर होता है, लेकिन सारे प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो जो हमारे जो ये पॉलन ट्यूब है ये किस तरीके से ओव्यूल के अंदर या एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है, इसके भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये तीन तरीका है, एक को हम कहते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी का मतलब होता है थ्रू माइक्रोपाइल, यानी कि ये वाला, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मिलता है। ये यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है, ये जो इसमें हमने दिखाया है ये माइक्रोपाइल के थ्रू है, तो इसको हम कहते हैं पोरोगैमी। अब दूसरी होता है इसमें, इसको हम कहते हैं चलाजोगैमी। ये चलाजा जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसका, जो हमारा ओव्यूल का जो ऊपर वाला ये वाला जो भाग होता है, इससे ही ये पॉलन ट्यूब जो होती है ये एंटर कर जाती है, तो ये कहलाती है चलाजोगैमी। तो जो चलाजोगैमी जो होती है ये कैजुराइना में मिलती है। और जो ये मीसोगैमी, एक लास्ट जो इसका आता है कि किस तरीके से पॉलन ट्यूब जो है ये इसके अंदर, इसके हमारा ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर सकती है, तो वो होती है किसके द्वारा, मीसोगैमी में इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा। ये जो इंटेग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो पॉलन ट्यूब है वो इसके थ्रू आकर के सीधे अंदर एंटर करती है, तो ये मीसोगैमी कहलाती है। मीसोगैमी में इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू जो है ये पॉलन ट्यूब जो है इसके अंदर एंटर करती है। और इसमें जो ये है, ये जो है ये कुकुरबिटेसी में ये मीसोगैमी जो है वो मिलती है। अब हमने यहाँ पर देखा कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जो हमारी पॉलन ट्यूब बन रही है वो पोरोगैमी टाइप ऑफ जो है एन जो है इसके थ्रू, पोरोगैमी टाइप में आपने देखा कि ये इसके अंदर एंटर करती है। और ये एंटर करेगी कहाँ से, माइक्रोपाइल से। अब ये माइक्रोपाइल से जब ये एंटर करती है तो इसके साथ साथ जब ये हमारी ये पॉलन ट्यूब नीचे की ओर जाती है तो आपने देखा कि ये मेल गैमीट और जो ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ये दोनों मेल गैमीट हैं, ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ये भी धीरे धीरे इसके साथ जो है वो नीचे की ओर आते हैं और ये माइक्रोपाइलर एंड से सीधे अंदर की ओर जाते हैं। अब इसमें आपने देखा है कि इस जो हमारा ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें, मैंने आपको पहले भी इसका अरेंजमेंट एक बार फिर और रिवाइज कर लेते हैं। ऊपर तीन एंटीपोडल सेल्स होती हैं, बीच में इसमें क्या पाया जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस में आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि इसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, और जब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाते हैं तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, ये डिप्लॉयड सेल होती है। और इसमें दो तीन सेल नीचे की ओर होती हैं, एक होती है एंटी सिनर्जिड और दूसरी दो सिनर्जिड्स होती हैं, एक एग सेल होती है। इन दोनों को मिलाकर हम इसको बोलते हैं एग एपरेटस। तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा किसका है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि ये जो दोनों जो मेल गैमीट हैं और ट्यूब न्यूक्लियस जो हैं ये माइक्रोपाइलर एंड से सीधे एंटर करते हैं। अब एंटर इसी मतलब जो हमारे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में है ये इसी एंड से क्यों करते हैं, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इसमें आप ये देखिए जो सिनर्जिस हैं, सिनर्जिस में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये कुछ कीमोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं, और ये जो कीमोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये इस पॉलन ट्यूब को, जो ये येलो कलर की ट्यूब मैंने दिखाई है, इसको ये गाइड करते हैं, और गाइड करके ये माइक्रोपाइल के से इसको एंटर करवाते हैं, और ये जो सिनर्जिस में पाए जाने वाला जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो इसको गाइड करने में हेल्प करता है। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस इसके थ्रू, यानी कि माइक्रोपाइल्स के थ्रू ये सिनर्जिस में एंटर करती है। अब जब ये सिनर्जिस में एंटर करती है तो इसके बाद अब जब ये अंदर जाएगी तो इसका मतलब है कि ये दोनों मेल गैमेट्स और ट्यूब न्यूक्लियस भी जाएगा। तो जब ये ट्यूब न्यूक्लियस अंदर जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, अब बचते सिर्फ हमारे पास दो मेल गैमीट्स हैं। जब ये मेल गैमीट्स अंदर जब एंटर करते हैं तो इसका मतलब है अब इसमें फ्यूजन की प्रोसेस होगी, क्योंकि ये दो मेल गैमीट हैं
और ये फीमेल स्ट्रक्चर है, तो अंदर जा कर के ये फीमेल सेल के साथ में पाई जाने वाली सेल्स के साथ फ्यूज़ करता है। अब चूँकि दो न्यू इसमें गेमीट्स पाए जाते हैं, तो एक गेमीट जो है वो जा कर के इस एग सेल से फ्यूज़ करता है। ये जो एग सेल है जो कि हैप्लॉयड है, तो एक मेल गेमीट इस हैप्लॉयड एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है, यानी कि एक फर्टिलाइजेशन तो यहाँ हो गया। और जो दूसरा गेमीट ये है, ये भी अंदर जाता है इस ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब के थ्रू, और ये आ करके ये साइमल्टेनियसली ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस हमेशा याद रखिए कि ये डिप्लॉयड होती है। तो दूसरा जो गेमीट है वो जा करके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है। तो इस पूरी प्रोसेस में आपने देखा कि दो गेमीट्स हैं, दो गेमीट्स दो बार इसमें इसके अंदर जा करके फ्यूज़न हो रहा है। एक हो रहा है एग सेल के साथ और दूसरा फ्यूजन हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो इस तरीके से चूंकि दो बार इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, दो बार फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, ये डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दो बार फ्यूजन हो रहा है। एक जो गेमीट है वो क्या करता है, एग सेल के साथ फ्यूज़ कर रहा है। ये है एग सेल, एग सेल एक गेमीट होता है, वो भी हमेशा हैप्लॉयड होता है, एग सेल भी हैप्लॉयड है। तो ये दोनों फ्यूज़ होकर के जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट होगा 2N यानी कि डिप्लॉयड। तो दो गैमीट और एग सेल मिलकर के डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन हम इसको हिंदी में बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन ये हो गया। और जो मैं बोल रही हूँ आपको कि ये डबल फर्टिलाइजेशन है, तो फर्टिलाइजेशन दो बार हुआ, पहला तो यही हो गया कि ये जाइगोट बन गया एग सेल के साथ, यानी कि एक गैमीट एग सेल के साथ मिल गया, जाइगोट बन गया। ये यहाँ मैंने आपको दिखाया इसी का, जो इसी को मैग्नीफाई करके यहाँ पर, तो इतना नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो थोड़ा सा इसी को मैंने यहाँ मैग्नीफाई करके दिखाया है कि ये एग हमारा सेल है और इसमें इसका तो ब्लैक वाला जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और एक ये रेड है, ये रेड एक गेमीट है। तो ये दोनों फ्यूज़ करके ये डिप्लॉयड हो गई, ये जो स्ट्रक्चर ही डिप्लॉयड हो गया, तो जाइगोट है, तो ये जाइगोट बना हुआ है, तो ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है। अब सेकंड प्रोसेस जो है वो आपने देखा था कि ये जो सेकंड जो गेमीट है ये जा करके किसके साथ मिला, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिला। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस देखिए ये ऑलरेडी डिप्लॉयड होती है, ये आपको पता है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉयड होता है। तो ये इसके साथ जब एक गेमीट जा करके फ्यूज़ होता है तो ये ट्रिप्लॉयड हो जाती है, यानी कि 3N इसका जो प्लॉयडी लेवल हो जाता है वो 3N हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए जो दूसरी प्रोसेस है इसमें क्या हुआ, जो दूसरा गेमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिला। पहला जो गेमीट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ आपको पता है कि इसका जो प्लॉयडी लेवल है ये 2N है, यानी कि ये डिप्लॉयड है। तो एक ये गेमीट प्लस एन प्लस 2N मिलकर के ये बनाता है 3N स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पर्म का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीज़ें बनी, देखिए एक तो एक जाइगोट बना और दूसरा बना एंडोस्पर्म। तो ये कहलाता है क्योंकि इसमें जो दूसरा गेमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता नहीं, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है, तो फ्यूज़ होने के बाद एंडोस्पर्म बनाता है। ये एंडोस्पर्म जो होता है ये 3N यानी कि ट्रिप्लॉयड होता है, इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इसमें तीन न्यूक्लियस फ्यूज़ हुए हैं और ये ट्रिप्लॉयड है, यानी कि तीन इसमें 3N इसका जो प्लॉयडी लेवल है वो 3N है। अब जो ये एंडोस्पर्म जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस समय हमारा जाइगोट जिस समय डेवलप करता है और बाद में जाकर के ये एम्ब्रियो बनाता है, तो उस समय इसको नरिशमेंट तो चाहिए है ना जाइगोट को, तो नरिशमेंट कौन देता है, यही जब ग्रोथ के समय, फर्दर ग्रोथ के समय ये एंडोस्पर्म जो होता है ये इसको जो है ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं सारे के सारे इसी एंडोस्पर्म से मिलते हैं। तो ये जाइगोट जो है आगे फर्दर जिस समय डेवलप करेगा तो उस समय जो है इसका इसको पोषण देने के लिए एंडोस्पर्म का जो है कि बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो इसमें दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है
डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसीलिए इसमें हम देखते हैं कि दो फीचर यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की जो प्रोसेस है इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के फर्टिलाइजेशन में हमको देखने को मिलती है। और ये जितने भी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें सबसे पहले ये नवाशीन ने देखी थी 1898 में। 1898 में नवाशीन ने सबसे पहले देखी थी और ये उन्होंने ये जो प्रोसेस है इसका इस प्रोसेस को हमें बताया था। उन्होंने कहा था कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की जो प्रोसेस है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का बहुत ही यूनिवर्सल एंड यूनिक फीचर होता है। और इस प्रोसेस को उन्होंने लिलियम और फ्रिटलेरिया में देखा था सबसे पहले। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को एक बार और समअप कर लेते हैं कि जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं ये जो हमारा पिस्टल है इसके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इनमें से कोई एक जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है माइक्रोस्पोर होता है वो उसमें क्या चीज़ बनती है पॉलन ट्यूब बनती है। ये बाहर वाली आपको एक्साइन दिखाई दे रही है इंटाइन, जो इंटाइन वाला पोर्शन है ये पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब जो होती है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ये पोरोगैमी के थ्रू, ये माइट्रो प्रोसेस के द्वारा। ये जो है पोरोगैमी का मतलब होता है कि माइक्रोपाइलर एंड से जो पॉलन जो ट्यूब होती है वो एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड से। तो माइक्रोपाइल जो हैं इससे ये एंटर करते हैं। अब इसमें बनने वाले जो दोनों जो मेल गेमीट्स होते हैं वो इसी पॉलन ट्यूब से धीरे धीरे खिसक करके नीचे आ जाते हैं। जैसे जैसे ट्यूब आगे की ओर बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये दोनों मेल गेमीट अंदर की ओर इस माइक्रोपाइलर एंड से इसके अंदर एंटर करते हैं। जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो डीजेनरेट हो जाता है। इसमें से जो दोनों मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट एक्सेल के साथ फ्यूज करता है और ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है। और जो दूसरा मेल गैमीट है ये किससे फ्यूज करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है। तो यहाँ पर इस चूँकि इसमें क्या हुआ, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपने ये देखा कि जो पहला जो गेमीट होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करके जायगोट बनाता है, ये हमेशा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। और जो दूसरा होता है मेल गेमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है। तो ये और दो दो जो ये हमारा जो दो ये वाला एक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर और ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ये दोनों मिल करके 3M स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी कि एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉयड होता है, यानी कि इसमें एंडोस्पर्म में तीन न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इसीलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये हमेशा याद रखिए कि जो पहला फर्टिलाइजेशन होता है उसमें हमेशा जायगोट बनता है जो आगे जा कर के एम्ब्रियो बनाता है डेवलप होकर के, और जो दूसरा जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें गेमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है। तो जायगोट और एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म जो होता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इस जायगोट को फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी डबल फर्टिलाइजेशन की। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये था मेरा वीडियो जो है, जो कि किस पे था, डबल फर्टिलाइजेशन पे था। थैंक यू।